हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसा जालीदार घेवर, वो भी बिना मोल्ड के। फ्रेंड्स, सावन का महीना है, रक्षाबंधन आ रहा है और आगे और भी 30 त्योहार हैं, घेवर बनाना तो बनता है। और इसे बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी। बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो घेवर बहुत आसानी से घर में बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल या फिर थाली, कुछ भी ले लीजिए आप। और ये देखिए, ये छोटा चम्मच है, टीस्पून है ये। इसमें इस चम्मच से हम 4 चम्मच घी डालेंगे। और देखिए, बिल्कुल भर के नहीं ले रही हूँ मैं, बिल्कुल फ्लैट चम्मच ले रही हूँ। अच्छा, देखिए माप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 4 क्यूब के करीब मैं इसमें बर्फ डाल लूंगी और अब बस इसे हम इस तरह से बर्फ के साथ घी को मिला लेंगे। और जैसे ही आप बर्फ को घी में मिलाते जाएंगे, देखिए घी का कलर बिल्कुल व्हाइट होता जाएगा। और अभी ये दानेदार है और हमें इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली मिलाना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। आप सेम स्टेप को मिक्सी में भी कर सकते हैं, काफी लोग मिक्सी में भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बिल्कुल आप अपना हाथ यूज करिए, बहुत आसानी से घेवर बन जाएगा आपका। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएगा, देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है, व्हाइट बटर की तरह हो गया है। तो अब बर्फ को हम हटा लेंगे और बर्फ को साइड में कर देंगे हम। अच्छा देखिए, हमने 4 टीस्पून घी लिया था तो इसमें 1 कप मैदा लगेगा। अगर मैं ग्राम में बताऊं तो ये 120 से 125 ग्राम रहता है। और अब मैं इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, मैं इसे 3 बार में डालूंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके बाद पानी लेना है हमें और ये बिल्कुल ठंडा पानी है, फ्रिज से निकला हुआ। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और बिल्कुल फिर से हाथ का ही यूज करेंगे। एक्चुअली जो घेवर का घोल होता है वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन एकदम से पानी नहीं डाला जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ताकि कोई भी लम्स ना बन जाए मैदे में। देखिए इस तरह से जब ये घुल जाएगा तो हम थोड़ा मैदा और डाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी मैदा और फिर से मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी पहले और इसे अच्छे से घोलूंगी। और अब बाकी का सारा मैदा डाल दूंगी मैं इसमें और फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। और देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे घोलना है और बिल्कुल चिकना घोल बना देना है और एक भी लम्स इसमें ना हो, ये कोशिश करिएगा आप। और धीरे धीरे करके हम इसे पतला करते जाएंगे। तो देखिए अभी तक मुझे 1 कप पानी इसमें लग गया है। चलिए, मैदा हमने पूरा डाल दिया है और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून बेसन का डालेंगे और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसे आप जरूर डालिएगा, इससे घेवर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप बेसन की जगह 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का भी ले सकते हैं। और लगभग 1 कप पानी मैं यहाँ डाल चुकी हूँ। अब हम और ठंडा पानी ले लेते हैं क्योंकि इसका हमें पतला घोल बनाना है। और दूसरा कप पानी भी मैं धीरे धीरे करके पूरा मिला दूंगी। इसका घोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करिएगा। तो मैं पूरा ही डाल देती हूँ। देखिए 2 कप पानी डालने के बाद ये इतना पतला हो गया है, लेकिन ये अभी और पतला होगा तो मैं 1/2 कप पानी और यूज करूंगी इसमें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घोल बन गया है। तो 1 कप मैदे में मैंने 2.5 कप के करीब पानी डाला हुआ है और अब इसमें हमें डालना है 1 नींबू का रस और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसे हमें छानना है, तो आप एक दूसरा बॉल ले लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इसे छानना, तो इसे छानिएगा जरूर, जितने भी लम्स वगैरह हो इसमें वो निकल जाए। घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और देखिए अब इस तरह से कोई भी आपके पास बॉटल हो, सॉस की बॉटल हो, तो आप उसे ले लीजिए। और अब इस घोल को हमें इसमें भर लेना है।
एक बात मैं यहाँ आपको और बता दूं कि ये जो घोल है हमारा, इसको आपको ठंडा रखना है। अगर आपको लगे कि रूम में काफी गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम घेवर को किसमें सेकेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास इस तरह की एक स्टील की गंज है और ये काफी मोटी और हैवी गंज है। तो इस तरह की अगर कोई गंज हो आपके पास तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सांचा यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली हम घर में घेवर के लिए सांचे नहीं रखते हैं। तो नॉर्मल इस तरह की गंज में भी काफी अच्छा घेवर बन जाता है और नॉर्मल कढ़ाई में भी काफी अच्छा घेवर बन जाता है। यहाँ एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि ये जो स्टील की गंज है ये काफी मोटी है। अगर आपकी स्टील की गंज पतली है तो मैं एडवाइस दूंगी कि उसमें आप इसे ना बनाएं। देखिए, इस तरह की गंज जो होती है जिसमें हम चाय बनाते हैं, इस पे भी आप बना सकते हैं घेवर बहुत आसानी से। मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल, आप घी से भी इसे बना सकते हैं। अच्छा, मैं मोटी तली के बर्तन पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि घेवर को काफी तेज आंच में सेका जाता है। अगर पतली गंज रही तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और आपका घेवर जल जाएगा। अच्छा, ऑयल हमें जो गंज है उसे आधा से भी थोड़ा कम लेना है। ऑयल इसमें बहुत ज्यादा मत ले लीजिएगा वरना जब हम इसमें घोल डालेंगे तो ऑयल पूरा बाहर आने लगेगा। इस ऑयल को आप मीडियम हीट या फिर तेज आंच में गर्म कर सकते हैं। देखिए, तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, गंज के नीचे से ही दिख रहा है। आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो आंच को इस वक्त आप मीडियम कर लीजिएगा, तेज मत रखिएगा। अब इस बॉटल से हम धीरे धीरे करके तेल में मिक्सचर को डालेंगे। तो मिक्सचर को हम तेल के बिल्कुल बीचों बीच डालेंगे और देखिए आप इसमें कितने सारे बबल्स आ गए हैं। और जैसे ही ऑयल में हम मिक्सचर डालते हैं तो जो ऑयल है पूरा बबल से भर जाता है। तो उस बबल्स को आप थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिएगा और दोबारा इसमें मिक्सचर डालिएगा। और इसमें ऑयल एकदम से ऊपर आता है तो आप अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब आप एक लंबी सी सीख, चम्मच या चाकू ले लीजिएगा और इस तरह से घेवर में बीच में जगह बनाते जाइएगा क्योंकि इसी बीच में हमें अपने मिक्सचर को डालना है। और इस मिक्सचर को हमें थोड़ा थोड़ा करके 10 से 12 बार डालना है ताकि ये बिल्कुल घेवर का शेप ले ले। और इस वक्त एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो ताकि जो हम लिक्विड मिक्सचर डाल रहे हैं वो परत दर परत जाली बन के बिल्कुल घेवर का शेप बनता जाए। और अब हमें क्या करना है कि एक चाकू ले लेना है और इसे साइड से गंज से छुड़ा लेना है, देखिए इस तरह से। और अब आप एक चम्मच ले लीजिए और घेवर को हल्का सा नीचे की तरफ दबा दीजिए ताकि ऊपर भी बहुत प्यारा कलर आ जाए। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो आप एक बाउल या फिर गंज ले लीजिए और इसे इस तरह से टंगा दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे घेवर भी बना लेंगे। गाइस, कभी कभी होता है कि जब हम शुरू शुरू में घेवर बनाते हैं तो घेवर जल जाता है, टूट जाता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है। तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, धीरे धीरे ट्राई करिएगा, ये ज़रूर बन जाएगा। मार्केट में घेवर मिल जाते हैं, बहुत आसानी से हम उन्हें ला भी सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जब हम अपने हाथों से इतने प्यार से बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो गाइस, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसका ऑयल हटाने के लिए आप एक बाउल में ऊपर जाली रखकर इसे इस तरह से भी रख सकते हैं ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। बहुत ही अच्छी जालियाँ आई हैं हमारे घेवर में। ये बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ ले लेंगे एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी ही मैं पानी डालूंगी इसमें। हमें इसकी काफ़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है इसलिए मैंने आधा कटोरी पानी डाला है। और इसकी चाशनी गाढ़ी बनाइएगा आप लगभग 1.5 तार की, क्योंकि घेवर को हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं और अगर चाशनी पतली रही तो घेवर खराब होने का डर रहता है। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें केसर, थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर। और अब इसमें हम उबाल आने देंगे। देखिए, उबाल आ गई है तो 3 से 4 मिनट तक आप इसे पकने दीजिएगा। इस तरह से बबल जब इसमें आ जाएंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगा। और हाथ से आप इसे दबा के देख लीजिएगा, अगर 1 तार बन रहा है तो चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसका ऑयल अब अच्छी तरह से निकल गया है और हमारी चाशनी भी अब ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें चाशनी लगा देंगे। तो इस तरह से आप चाशनी इसमें लगा दीजिएगा।
मार्केट में जो हलवाई लोग होते हैं वो तो पूरी की पूरी चाशनी में डुबो देते हैं इसे, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत मीठा हो जाता है घेवर। और इसे आप इस तरह से छन्नी में ही रखेगा ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे बाउल में चली जाए। और गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, आपकी पंखड़ियों से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप मलाई घेवर बना रहे हैं तो घेवर में चाशनी लगाने के बाद रबड़ी लगा दीजिएगा। यहाँ रबड़ी बनाने के लिए मैंने दूध को जस्ट गाढ़ा कर लिया है, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली है। और इसे भी आप गार्निश कर लीजिएगा ड्राई फ्रूट से। बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है ये घेवर। और लीजिए गाइस, बिल्कुल तैयार है ये हमारा मलाई घेवर, और जिसे हमने बिल्कुल घर में बनाया है। तो आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसे बना के बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, इस फेस्टिव सीजन आप घर के बने घेवर से फेस्टिवल को इंजॉय करिए। इसे ट्राई करने के बाद ये कैसा बना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।